हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम मानसिंह राठौर है। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं शेयर खान डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का। अगर आप शेयर मार्केट में काम करने वाले हैं और आप डीमेट अकाउंट अपना शेयर खान में ओपन करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको अपना डीमेट अकाउंट शेयर खान में ओपन करना चाहिए या फिर किसी दूसरी कंपनी में। बने रहें इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक। तो सबसे पहले हम शेयर खान का एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसका यूजर इंटरफेस कैसा है और हमें यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, और फिर हम जानेंगे इसमें लगने वाले चार्जेस के बारे में। तो शेयर खान के चार्जेस अभी बदल चुके हैं, जो न्यू चार्जेस अप्लाई होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वाला शेयर खान का एप्लीकेशन है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके 28 लाख से ज़्यादा कस्टमर हैं और 675 सिटीज़ में यह उपस्थित है, मतलब कि वहाँ पर इसके ब्रांचेज हैं, और 9 लाख प्लस इसमें डेली ट्रेड होती है। ठीक है, अब इसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज बताया गया है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं तो 20 रुपये लगेगा, और अभी हम इसके बारे में आगे दोस्तों और चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकेंगे। और इसके अलावा ये आपको रिसर्च के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, रिसर्च करने के लिए ही स्पेशली लोग फुल सर्विस ब्रोकर का यूज करते हैं। तो जो भी है, अब इसको हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे अपना क्लाइंट आईडी और पासवर्ड डाल के। तो दोस्तों, ये इसका सिंपल सा यूजर इंटरफेस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये चीज़ें शो होंगी, इंडेक्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, डेरिवेटिव्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, म्यूचुअल फंड यहाँ पर दिखेंगे, करेंसी आपको यहाँ पर दिखेंगी, और दोस्तों एक कमोडिटी दिखेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सारे फीचर ये एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम इधर मार्केट वॉच पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से मार्केट को देख सकते हैं। ये जो ऊपर आपको इंडेक्स दिख रहे हैं, आप इनको चाहें तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, लोग ऊपर से गायब हो गए। ठीक है, फिर ये आपको इस तरीके से दिखेंगे, मतलब कि इनका चार्ट आपको अलग दिखेगा। और फिर इसके बाद ट्रेड एंड क्विट्स है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जो भी ट्रेड लेंगे वो आपको यहाँ पर दिखेगी, ऑर्डर्स में आपने आज जितने भी ऑर्डर्स लिए हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, और अगर आप नेट पोजीशन दिखेंगे, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर दिखेगी कि आज आपको कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ या फिर पोजीशन आपकी किस स्टॉक में है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिपोर्ट का ही। ठीक है, तो ये रिपोर्ट पर अभी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर किसी भी चीज़ की रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके बाद आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलता है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोर्टफोलियो में दिखा रहा है आप जो भी हमारी इन्वेस्टिंग यहाँ पर होल्डिंग्स हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। आप यहाँ पर अलग अलग जैसे चाहें वैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि इक्विटी, डेरिवेटिव्स या फिर म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं जो कि एडवांस हैं। ठीक है, ये आपको ज़्यादातर ब्रोकर में नहीं मिलती हैं, ये फुल सर्विस ब्रोकर है, इसीलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ें मिल रही हैं। अब इसके बाद हम फिर से यहाँ पर अगर आ जाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम थ्री डॉट पर दोस्तों क्लिक करें तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें और देखने के लिए मिलती हैं डिटेल में। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं शेयर खान में लगने वाले चार्जेस के बारे में। तो शेयर खान एक फुल सर्विस ब्रोकर है। फुल सर्विस ब्रोकर का मतलब ये है कि पहले के टाइम पर फुल सर्विस ब्रोकर चलते थे, मतलब कि सारी की सारी फैसिलिटी आपको ब्रोकर में मिल जाती थी, लेकिन अभी के टाइम पर डिस्काउंट ब्रोकर आ गए हैं, मतलब कि उन्होंने सर्विसेज कुछ कम कर दी हैं और इसके बदले वो अपने क्लाइंट से पैसा भी कम लेने लगे हैं। तो दोस्तों, अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये कि यहाँ पर चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अभी कंपटीशन चल रहा है, फुल सर्विस ब्रोकर पहले से चले आ रहे हैं, जैसे कि शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, ICICI डायरेक्ट, और अभी के टाइम पर कुछ डिस्काउंट ब्रोकर आ गए हैं जैसे कि जिरोदा, एंजल वन, अपस्टॉक, धन, ठीक है, ग्रो। तो कहने का मतलब ये है कि अभी दोनों में कॉम्पिटिशन हो गया है, तो डिस्काउंट ब्रोकर अपना चार्जेस मार्केट में बहुत कम किए हुए हैं, इसीलिए जो फुल सर्विस ब्रोकर हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं कि हम भी अपने चार्जेस कम करें, अदरवाइज फुल सर्विस ब्रोकर से जो क्लाइंट हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो डिस्काउंट ब्रोकर है ना, तो वो भी आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो फुल सर्विस ब्रोकर है इससे भी अच्छी आपको फैसिलिटी मिल जाती है अभी के टाइम पर डिस्काउंट ब्रोकर में। खैर, अभी मैं ये बातें आपको और आगे बताऊँगा, लेकिन अभी हम यहाँ पर जान लेते हैं शेयर खान में लगने वाले चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप शेयर खान में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, मतलब कि शेयर खान में आप
अपना अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकती हैं। अब बात आती है AMC चार्ज की, तो अगर आप इसके अंदर होल्डिंग्स रखते हैं 50,000 या फिर उससे कम, तो आपको कोई भी AMC चार्ज नहीं देना है। लेकिन अगर आप होल्डिंग्स की वैल्यू बढ़ा देती हैं, होल्डिंग्स का मतलब अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा देती हैं, आप वैल्यू रखती हैं 50,000 एक से लेकर 2,00,000 तक, तो इसमें जो आपसे AMC चार्ज लिए जाएंगे वो होंगे 100 रुपये से लेकर 750 रुपये तक। अब कितना लगेगा तो ये डिसाइड होगा आपके ट्रांजैक्शन देखते हुए कि आपने कितने, आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, ठीक है, मतलब कि आपने कितने ट्रांजैक्शन किए हैं उस हिसाब से ये पैसा लिया जाएगा। लेकिन अगर आप होल्डिंग्स रखती हैं 2,00,000 या फिर उससे प्लस, तो आपसे ब्रोकरेज चार्ज 2,000 से लेकर 2,500 रुपये तक लिए जाएंगे। ये भी आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से करी हुई है। लेकिन अभी इसमें एक बेनिफिट की बात यह है कि अगर आप अभी अपना शेयर खान के अंदर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको 1 साल तक के लिए ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री मिल रहा है। लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन करने के लिए। और अगर आप इसमें फंड ऐड या फिर विड्रॉल करते हैं, तो वो आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। फंड ऐड या फिर विड्रॉल के लिए कोई भी अलग से चार्ज नहीं लग रहा है। अब हम बात करते हैं लगने वाले ब्रोकरेज चार्ज के बारे में। तो अगर आप डिलीवरी के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर जो आपसे ब्रोकरेज चार्ज लगेंगे वो होंगे 0.30% या फिर 1 पैसा पर शेयर। और अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हैं तो ब्रोकरेज चार्ज देने होंगे 0.02% या फिर 1 पैसा पर शेयर। और अगर आप इक्विटी ऑप्शन में करते हैं तो आपको ब्रोकरेज चार्ज देने होंगे 20 रुपये पर लॉट। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 5 लॉट खरीदते हैं तो आपका 100 रुपये ब्रोकरेज चार्ज हो गया, तो यहाँ पर ये महंगा हो जाता है। अब हम देखें कि अगर आप करेंसी ऑप्शन में करते हैं तो जो आपको ब्रोकरेज चार्ज देने होंगे वो होंगे 5 रुपये पर लॉट। और अगर आप कमोडिटी ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपको ब्रोकरेज चार्ज देना होगा 20 रुपये पर ऑर्डर। और अगर आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपको ब्रोकरेज चार्ज देना है 0.02% पर ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों इसमें लगने वाले चार्जेस हैं। अब दोस्तों अगर आप इसमें मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग करो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के मामले में ये आपके लिए सही नहीं है अगर आप इक्विटी ऑप्शन ट्रेड करते हैं, क्योंकि फिर इसकी तुलना में डिस्काउंट ब्रोकर है, तो डिस्काउंट ब्रोकर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। वहाँ पर आपसे 20 रुपये लगता है फ्लैट एक ऑर्डर करने का, फिर आप क्वांटिटी कितनी भी रखो, लेकिन यहाँ पर 20 रुपये पर लॉट लग रहा है, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप शेयर खान में अपना अकाउंट ना करते हुए आप कर सकते हैं जीरोधा या फिर एंजल वन या फिर अपस्टॉक या फिर धन। ये दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर हैं और अभी के टाइम पर यही चल रहे हैं। आपने अगर यूट्यूब पर वीडियो भी देखे हो तो काफ़ी सारे जो वीडियो बनाते हैं तो वो खुद यूज करते हैं, या फिर मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो मैं खुद एंजल वन और धन एप्लीकेशन यूज करता हूँ। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं वो जीरोधा यूज करते हैं, अपस्टॉक यूज करते हैं या फिर एंजल वन या फिर धन यूज करते हैं। कुछ लोग ग्रो भी यूज करते हैं, लेकिन ग्रो मैंने बता दिया है कि ये महंगा है। और अगर आप इन एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक या फिर धन आपको क्यों यूज करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।